नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, लेने मत आओ, मैं अपने आप आ जाती हूँ। मुझे सारे रास्ते याद है, आप परेशान मत हो, मैं लेने आ जाऊँ। एक सेकेंड। ओ हेलो मिस्टर, क्या हरकत की तुमने अभी? मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी तो नहीं, सब देखा है मैंने, तुमने किस तरह से मेरी फोटो खींची है, अभी खींची है ना? अरे क्या कुछ भी कही जा रही है मैडम, मैंने आपकी कोई फोटो वोटो नहीं ली। अरे जब खींचने में नहीं डरते तो बोलने में क्यों डर रहे हो? मैं कौन सा मना कर रही हूँ तुम्हें, पर एटलीस्ट खींचनी ही है तो परमिशन लेके खींचो ना, और अच्छी फोटोज आएंगी। क्यों, क्या क्या मतलब है आपका, मैं कुछ समझा नहीं। देखो तुमने मेरी फोटोज ली ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, पर यहाँ पर इस तरह से सिर्फ फोटो लेना काफी नहीं है, पास में मेरा घर है, वहाँ चलते हैं, वहाँ तुम्हें जैसी फोटोज लेनी हो वैसी ले लेना, और बाकी यू नो घर। पर मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे मैं आपके साथ घर चले जाऊँ? फोटोज लेने से पहले जानते थे? नहीं ना। अरे जान पहचान का क्या है, तो हो जाएगी, तुम चलो। तो अब देखो जल्दी बताओ, चलना है तो चलो, पर ना मेरा क्या है, मैं तो चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अब आप इतना प्यार से कह रही हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, चलो चलते। अरे और कितनी दूर है मैडम आपका घर? बस आ तो गया, ये रहा। अच्छा ये मैडम, फिर अंदर चलें, और समझ नहीं हो रहा। सबर तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि पहले मुलाकात तेरी हमसे हो। पुलिस, पुलिस यहाँ पे कैसे? मैंने बुलाई, मिले इनसे, मेरे बड़े भैया से। भैया? हाँ बड़ा भैया। चल ठीक है, दुआ में घर पर ही हूँ। एक सेकेंड। ओ हेलो मिस्टर, क्या हरकत की तुमने अभी? मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम कौन? कुछ भी तो नहीं, सब देखा है मैंने, तुमने किस तरह से मेरी फोटो खींची, अभी खींची है ना? अरे क्या कुछ भी कही जा रही है मैडम, मैंने आपकी कोई फोटो वोटो नहीं ली। अरे जब खींचने में नहीं डरते तो बोलने में क्यों डर रहे हो? मैं कौन सा मना कर रही हूँ तुम्हें, ये लौंडे साले बचेंगे। तुझे बहुत शौक है ना लड़कियां छेड़ने का, दिन दहाड़े कोई डर ही नहीं है इसमें, तू अब थाने चल, तेरे को मैं सिखाता हूँ कि छेड़ते कैसे। सॉरी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, और मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। गलती तुमने जो की है ना, वो गलती है, उसको गुनाह कहते हैं, और ऐसे गुनाह की ना कोई माफी नहीं होती। भैया इसको लेके जाओ थाने, और कड़ी से कड़ी सजा देना, ताकि लड़कियों को छेड़ने से पहले ही हजार बार सोचे। हाँ छोटी तू फिक्र मत कर, इसके रास्ते तो मैं करता हूँ थाने में। सागर डाल से गाड़ी में चल। तू ठीक तो है ना छोटी? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। तुझे मानना पड़ेगा तू बहुत हिम्मत वाली है और तेज भी बहुत है, ठीक है? काम कर तू अंदर जा, बाकी मैं इससे निपटता हूँ। जी